ये तस्वीर शायद आप नहीं भूले होंगे। झारखंड में एक लड़की की मौत भात भात करते हुए हो गई। इसके बाद कई तरह की बातें हुई। झारखंड सरकार ने कहा कि ये मौत भूख से नहीं हुई, लेकिन मृतक का परिवार लगातार कहता रहा कि मौत भूख से हुई है। आज हम झारखंड के उस हादसे को क्यों याद कर रहे हैं? दरअसल साल 2018 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुआ है, जिसमें भारत 119 देशों की सूची में 103वें स्थान पर है। पिछले साल भारत 100वें स्थान पर था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत लगातार पिछड़ रहा है। साल 2014 में भारत 55वें स्थान पर था। वही साल 2015 में भारी गिरावट के साथ भारत 80वें स्थान पर जा पहुंचा। इसके बाद साल 2016 में 97वें और साल 2017 में 100वें पायदान पर जा पहुंचा। पड़ोसी देशों से पीछे है भारत। इस मामले में सबसे अफसोस वाली बात है कि भारत की स्थिति अपने पड़ोसी देश चीन, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश से भी खराब है। हंगर इंडेक्स में चीन भारत से काफी आगे है। चीन 25वें नंबर पर है, वही बांग्लादेश 86वें, नेपाल 72वें, श्रीलंका 67वें और म्यांमार 68वें स्थान पर है। वही पाकिस्तान भारत से पीछे है, उसे 106वां स्थान मिला है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की शुरुआत साल 2006 में इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने की थी। वेल्ट हंगर लाइव नाम के एक जर्मन संस्था ने 2006 में पहली बार ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स विश्व भर में भूखमरी का आकलन करता है। भूख से लड़ने में हुई प्रगति और समस्याओं को लेकर हर साल उसकी समीक्षा करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये देखा जाता है कि देश की कितनी जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल रहा, यानी देश के कितने लोग कुपोषण के शिकार हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com।